तो आइए अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, यह एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात को हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें क्या होता है, रियल वैल्यूड नाम होने का मतलब यही हुआ कि इसका जो डोमेन है और इसका कोडोमेन जो है दोनों ही रियल नंबर है। इसके बाद ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करेगा। इतना से जानकारी तो आप लोगों को है ही। अब देखा जाए कि कोई भी फंक्शन वाई इक्वल टू हम एफ एक्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आपका दिया गया है, रूट के अंदर में दिया गया है। तो यहाँ पर हम y को जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद इस x को जो है हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। और यह जो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका जो डेरिवेटिव है 1/√x² + 2 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 2 का जो है 0 होता है। तो यह जो है आपका डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि हम चाहें तो वाई को डिपेंडेंट नहीं बनाकर इंडिपेंडेंट कर सकते हैं और एक्स को जो है डिपेंडेंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायरिंग हम कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं ना। अब फिर इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं। यानी कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई हो गया आपका, है ना। यानी कि इन टर्म्स ऑफ वाई के रूप में हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिपेंडेंट कहें, यानी कि एक्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यह एफ डैश वाई हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 1/√y² - 2 और यह 2y - 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का कन्फ्यूजन तो निश्चित रूप से आप लोगों का दूर हो गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। और जब भी डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। अब इस सब को लेकर हम लोग एक नया चीज की रचना करने जा रहे हैं। अब इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा आप लोगों को बताएंगे तो वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी कंटेन करता है। एंड द, और क्या कंटेन करता है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल
इक्वेशन, इसी को हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे देखिए कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया गया है। दूसरा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई जो है आपका डिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट का ये डेरिवेटिव है, तो ये आपका इसमें कहा गया डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर ये क्या है भैया, यह भी आपका डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो सिर्फ ये वाई जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो ये एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ये एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो गया और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो इस तरह का इक्वेशन जो भी रहेगा आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन आज के बाद से कहिएगा, ठीक ना, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग ये समझें कि आखिर यह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह का होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली दो तरह का होता है, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और दूसरा जो होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्लियर है। अब देखिए दोनों का अंतर समझ लीजिए, हालांकि अभी जो है आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। ये जब आप लोग पार्ट वन बीएससी में जाइएगा ना, तब वहाँ पर आप पढ़िएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, जब बाद में जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसमें क्या कहता है कि एन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, शॉर्ट में हमने डी आई एफ एफ और ई क्यू यू लिख दिया है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व करके रखता है, मतलब मिला के रखता है, विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डी इक्वेशन हमने लिखा, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यह जो है डिफरेंशिएट होता है। अभी तक आपने जितना भी एग्जांपल देखा ये सारे जो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। इसके बारे में जैसे हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के आपका स्क्वायर दिया गया है। तो अब क्या होता है कि इसको जो है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में हम लोग डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर बाय डेल्टा वाई,
प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर बाय डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो, चूँकि यह कांस्टेंट है। तो इस तरह का इक्वेशन जो है आपको आगे के क्लास में देखिए मिलने वाला है। यहाँ देखिए एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, और डेल्टा कहने का मतलब कि हम लोग आगे चलकर डेल्टा को ही यूज करते हैं। पार्शियल में जो है पार्शियल का नोटेशन ही है डेल्टा को यूज करना, समझ रहे हैं बात को, उसमें हम लोग प्रायः डेल्टा का उपयोग करते हैं। और एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, जब उस लंबी कहानी में हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ जानेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या समझना है आगे देखिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ऑर्डर क्या होता है कि इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानें कि अगर डी वाई बाय डी एक्स है तो यह आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव। अब इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप लोग बनाए ही थे है ना, डी टू वाई बाई डी ए वाई इसको एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग वाई डबल डैश से डिनोट करते हैं, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, क्लियर है। और इसके बाद अगर जो तीन बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको वाई पर तीन गो डैश डाल के दिखाते हैं, ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि इसमें तीन ऑर्डर वाला भी एक डेरिवेटिव है, और उसके बाद टू इंटू वाई डबल डैश वाला भी है, फिर वाई है इक्वल टू एक्स आपका दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ ऑर्डर थ्री, यहाँ ऑर्डर टू, यहाँ ऑर्डर कुछ नहीं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है ना, ये कितना है? थ्री है। तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है थ्री कहला जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर इसको डिफाइन कर दीजिए, तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था? ये था कि ये था कि ये था, तो स्वाभाविक है भैया यही था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही था। ऑकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन ओके इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा, इस चीज़ को समझने से पहले कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव क्या होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है ना। अब याद कीजिए आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, तो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या सीखे थे कि यह जो एक्स पर जो भी पावर होगा होल नंबर होगा तभी हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर इस पे फ्रैक्शन पावर आ जाए, जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर तो आए ही, और टू रूट एक्स प्लस वन हो जाए तो यह आपका नॉट पॉलिनोमियल होता था है ना। अब देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल यह
नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर अगर सभी वेरिएबल पर पावर हमारा क्या हो, होल नंबर हो, तो यह हमारा क्या होता था, पॉलिनोमियल होता था। कुछ सिचुएशन इसी तरह का है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव वाई डबल डैश डेरिवेटिव है, वाई डैश क्या है, डेरिवेटिव है, वाई पर तीन डैश डाल दिए तो यह भी डेरिवेटिव है। अब यहाँ एक्स के जगह पर जैसे वाई डैश का स्क्वायर हम ले लें, अब फिर टू वाई डैश ले लें, अब फिर प्लस वन ले लें, तो यही हो गया आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हो गया। अब जैसे मान लीजिए वाई डबल डैश लिए, वाई डैश का स्क्वायर ले लिए, थ्री वाई इक्वल टू एक्स ले लिए, हालांकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या विशेषता है कि यह जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, यह जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। तो डिग्री को पता लगाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वह आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि डी वाई बाय डी एक्स ओके प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यह इस तरह का जो है ये डेरिवेटिव आपको पॉलिनोमियल बनाने में मदद नहीं करती है, क्योंकि यह डेरिवेटिव जो है यहाँ पर एंगल है, क्लियर है, और यह साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में यह जो है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जांपल से समझ गए होंगे आप, अगर जो इस पॉलिनोमियल को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं इस तरह के बात को, और इस तरह की बात को आप बिठा लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह के कुछ एग्जांपल को भी हम लोग बनाएंगे, और यह एग्जांपल सिर्फ आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है, और यह आरएस अग्रवाल बुक में, अग्रवाल बुक में नहीं दिया गया है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को भी देखेंगे और वहाँ पर इसके डिग्री का डिसीजन भी लेंगे। तो अब देखिए कि डिग्री को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं द पावर ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर समझिए ये रेडिकल क्या होता है और ये फ्रैक्शन क्या होता है। अब कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानें कि रेडिकल क्या होता है। स्क्वायर रूट जो होता है ना वो रेडिकल कहलाता है, और फ्रैक्शंस जो होता है आपका जैसे 2/3 4/3 ये सब फ्रैक्शन आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं कहीं पावर के रूप में आपका फ्रैक्शन भी दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये आपका दिया गया है रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो यह आर एस अग्रवाल बुक का ही 7वां नंबर प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए कि ये जो स्क्वायर रूट है आपका रेडिकल है, और इसको हमको इससे फ्री करना होगा, इस रेडिकल से फ्री। रेडिकल का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। तो इसको फ्री करने के लिए हम लोग क्या कर दे सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड
साइड्स कर दें तो ये जो है a प्लस एक्स हो गया और डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया फ्री फ्रॉम रेडिकल, है ना, फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया, क्लियर है। रेडिकल कहने का मतलब ये जो रूट अंडर a प्लस एक्स था तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस एक्स पे पावर हाफ था, तो इस हाफ को हम लोग क्या कहते हैं भैया, फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्लियर है। और इससे हम लोग फ्री कर दिए और तब जाके जो है इसका डिग्री हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, तो हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव हमको डी वाई बाई डी एक्स ही मिल रहा है, यानी कि वाई डैश, तो इसका ऑर्डर जो हो गया आपका वन हो गया, है ना। अब इसका डिग्री क्या हो गया, तो हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव पर इसको पकड़ लीजिए कस के, कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर जितना पावर होगा वही हमको डिग्री देगा, तो इसको यहाँ देखते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है भाई, टू है, तो ये टू इसका डिग्री हो गया। इसके बाद आइए बुक पर हम लोग नज़र डालते हैं, तो बुक में आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, यानी कि डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा कितना बार इसमें किया गया है, तो सबसे ज़्यादा तो एक ही बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर जो हो गया वन हो गया, क्लियर है। अब जहाँ से ये ऑर्डर मिला उसी ऑर्डर पर जो भी उस पर पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, तो डिग्री इसका वन हो गया, बशर्ते कि यह पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट वाली बात है कि यह पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हमारा है। इसके बाद यहाँ दूसरा नंबर देखिए, वन बाय एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस थ्री ई टू दी पावर माइनस एक्स है। तो इसमें देखिए कि मैक्सिमम इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, तो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, डबल डेरिवेटिव है इसमें, तो इसीलिए इसका ऑर्डर जो है आपका टू हो जाएगा। अब जिससे जहाँ से आपको ऑर्डर मिला उसी पर देखिए क्या डिग्री है, उसका डिग्री क्या है, उस पर पावर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका मैक्सिमम पावर एक है, तो ये डिग्री जो है आपका हो जाएगा वन, हालांकि यह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। इसके बाद तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर पर पावर थ्री है और टू डी वाई बाय डी एक्स पर पावर फोर है और प्लस नाइन इक्वल टू आपका साइन एक्स दिया गया है। तो इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहीं पर डिफरेंशिएट किया गया है। कितनी बार किया गया है, दो बार किया गया है, तो ऑर्डर इसका टू हो गया। अब जिस जहाँ से आपको ऑर्डर मिला ना उसी को पकड़िए डिग्री के लिए, तो इसको नहीं पकड़ना है क्योंकि इस पर पावर फोर है, तो इसको नहीं पकड़ना है। जहाँ से आपको ऑर्डर मिला है उसी पर जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका जो है डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा है कि नहीं, यहाँ गलती से चार नहीं बोल दीजिएगा इसका डिग्री, इसका डिग्री जो होगा क्या होगा, थ्री ही होगा। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर को भी देखिए, फोर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए डी वाई बाय डी एक्स पे पावर हमारा फोर दिया गया है, अब प्लस थ्री वाई डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ पे है, मतलब ऐसा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ दो बार, तो इसका ऑर्डर जो हो गया आपका क्या हो गया, दो हो गया। अब डिग्री के लिए जो है इसमें नहीं जाएंगे हम, जो हाँ से हमको ऑर्डर मिला उसी पर पावर देखेंगे कितना है, तो यहाँ जो है मैक्सिमम पावर एक है, तो इसका डिग्री
एक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर में ऑर्डर टू और डिग्री वन हो जाएगा, वहाँ गलती से भी आप फोर नहीं कर दीजिएगा भैया, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हम देख रहे हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको देख के तो ये समझ में आ रहा है कि यह जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है पहली नज़र में पॉलिनोमियल नहीं लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव ये हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम डी वाई बाय डी एक्स को एलसीएम लेते हैं तो एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर आता है, यहाँ टू आ जाता है और यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर आ जाता है। तो ये आपका एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स आप लिख सकते हैं। अब देखिए यह निश्चित रूप से पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव हो जाता है आपका डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, इसको हमने इधर ले आया प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमको देखना है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर देखने के लिए सब टर्म में जाके हम देखेंगे कि भाई सब जगह में से सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कहाँ है, हाईएस्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है हमारा, यानी कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ हुआ है। तो सब जगह तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका ऑर्डर जो हो गया आपका वन हो गया। अब इसका डिग्री बताइए, तो एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर का ये भी है और फर्स्ट ऑर्डर का ये भी है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर का है, तो डिग्री किसका लेंगे हम लोग, डिग्री लेंगे जो क्या करते हैं हाईएस्ट पावर होगा जिसमें, तो डिग्री इसका टू हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद सिक्स नंबर देखिए, सिक्स नंबर में देखा जाए कि ये आपका दिया गया है टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव और यह डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री और यह डी वाई दिया गया है। ज़रा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 2y प्लस 5 अब बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, x माइनस y प्लस 3 और यह dy वाई बाय डी एक्स आपका हो गया। अब देखिए यह जो आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और इसलिए इसका डिग्री जो है, सॉरी सबसे पहले ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, ऑर्डर जो हो गया इसका वन हो गया और इसका जो डिग्री हो गया आपका यह भी क्या हो गया, वन ही हो गया। सेवन नंबर में देखिए क्या गया है, रूट अंडर ए प्लस एक्स जो कि हमने शुरू में ही बताया, चलिए सेवन तो शुरू में ही बता दिया है। एट नंबर देखते हैं, एट नंबर में हमारा दिया गया है डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है और इस पर पावर जो है थ्री बाय टू है। अब डेफिनेशन में आइए, डेफिनेशन में कहता है कि इट इज़ मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, रेडिकल और फ्रैक्शन से हम लोगों को इसको फ्री कर देना है। तो रेडिकल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना, तो स्क्वायर रूट से फ्री करना है हमको, तो ऐसा करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर जो हो जाएगा वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर तो यहाँ है ही, और इस पर जो है थ्री बाय टू, इस पर पावर टू डाल दिए तो टू टू आपका कट गया, तो इस तरह से आपको बच गया वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर भी बचा और इस पर जो पावर है आपका थ्री बच गया। अब यहाँ पर ही देखने से हमको पता चल जाएगा कि हाइयर ऑर्डर कहाँ है आपका, तो हाइयर ऑर्डर यहाँ है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, और इसके बाद इसका जो डिग्री हो जाएगा तो जो जहाँ से आपको ऑर्डर मिला उसी के डिग्री, उसी पर उसी जगह आपको डिग्री भी मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑर्डर मिला उसी का जो पावर होगा आपको डिग्री देगा, ना कि इसका पावर, है कि नहीं। तो इसलिए डिग्री इसका जो हो जाएगा आपका टू हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 9 भी उसी तरह से हैं, इसका आपका ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा और डिग्री जो है आपका 2 हो जाएगा। क्यों होगा इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया गया है कि ये x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया गया है, अब प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करेंगे ना हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं, तो राइट साइड में ले जाते हैं तो एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करेंगे, जो भी रेडिकल्स हैं जो भी फ्रैक्शंस पावर हैं उसको हम लोग को ख़त्म करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोनों साइड ही हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यह डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और यह वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बचता है। तो देखिए ऑर्डर तो यहाँ हमको दिख रहा है 1 ही, और इसमें डिग्री क्या दिख रहा है, डिग्री भी हमको दिख रहा है 2, यही पावर आपका 2 दिख रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि डिग्री और ऑर्डर का कन्फ्यूजन आप लोगों का समाप्त हो गया होगा। इसके अलावे एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, एक या दो प्रॉब्लम को एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा कि आपका दिया गया है डी फोर वाई बाय डी एक्स पे पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑर्डर तो पता चल रहा है, ऑर्डर इसका भैया 4 है कि नहीं, क्योंकि 4 बार जो है आपका यहाँ पर डेरिवेटिव निकल, यह जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में यह पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, है ना, डिग्री जो है इसका डिफाइंड नहीं है। उसी तरह से डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर रहे, अब फिर प्लस कॉस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 रहे, तो जहाँ डेरिवेटिव के साथ कॉस आ जाए, कुछ भी आ जाए, साइन आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो प्रायः जो है डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। अब देखिए कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, अब फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई बाय डी एक्स लिखा, अब फिर इसके बाद 2y इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर आप कामयाब हो जाते हैं कि इसका स्क्वायर रूट हम हटाने में कामयाब हो जाते हैं कोई भी विधि से, तो इसका डिग्री जो है डिफाइन हो जाएगा, हालांकि इसकी ऑर्डर को हम लिख दें इसका ऑर्डर जो है आपका 2 हो जाएगा। अगर हम नहीं होते हैं कामयाब तो क्या लिखेंगे, डिग्री जो है इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि सर ऑर्डर जहाँ से मिलता है वहीं ना हम उसके डिग्री को देखते हैं, वहीं से ना डिग्री मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सबसे पहले हमको देखना होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव है कि नहीं, तो सबसे पहली बात है डिसीजन सबसे पहले यही लेना पड़ता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव है कि नहीं, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव नहीं हुआ तो सिर्फ डिग्री को हम डिफाइन माफ करेंगे सिर्फ ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो यह बुक है आर एस अग्रवाल बुक में जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पहला एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जो है आप लोगों का डिग्री और ऑर्डर में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।